भागलपुर की परबत्ती में असामाजिक तत्वों के द्वारा धार्मिक स्थल पर किए गए पथराव और तोड़फोड़ के विरोध में पिछले 5 दिनों से चल रहे भाजपा के भागलपुर विधानसभा से पूर्व प्रत्याशी रोहित पांडे का अमरण अनशन बूढ़ानाथ मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद पीरपैती विधायक ललन पासवान और भागलपुर की मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल के हाथों जूस पिलाकर तुड़वाया गया। इस दौरान रोहित पांडे ने बताया कि असामाजिक तत्वों के द्वारा धार्मिक स्थल को क्षतिग्रस्त किए जाने के बाद उनके द्वारा असामाजिक तत्वों की गिरफ्तारी को लेकर आंदोलन जा रहा था। इस दौरान आंदोलन के चौथे दिन भागलपुर जिला प्रशासन के द्वारा जोर जबरदस्ती करते हुए बलपूर्वक लाठी चार्ज कर उन्हें और उनके सहयोगियों को अनशन स्थल से घसीटते हुए पहले सदर अस्पताल ले जाया गया और रात भर प्रशासनिक दृष्टिकोण से बीमार व्यक्ति को वरीय पदाधिकारियों के आने के बाद कहकर जगाए रखा गया। रात भर उन लोगों ने हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए पदाधिकारियों का इंतजार किया। सुबह तक जब जिला प्रशासन से कोई बड़े पदाधिकारी उन लोगों से मिलने नहीं पहुंचे तो भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ सभी भागलपुर की सीनियर SP के आवास के पास पुलिसिया बर्बरता के खिलाफ शांतिपूर्ण हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे थे। उस दौरान भी पुलिस ने बलपूर्वक सभी BJP कार्यकर्ता को घसीटते हुए थाना लेकर चली गई। भागलपुर पुलिस उपद्रवियों को गिरफ्तार नहीं करके शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे भाजपा कार्यकर्ताओं को परेशान कर रही है। भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष ने कहा कि अनशन तोड़ा गया है, आंदोलन नहीं। वहीं अनशन को तुड़वाने पहुंचे पीरपैती से भाजपा विधायक ललन पासवान ने कहा कि बिहार सरकार तुष्टिकरण की राजनीति कर रही है और एक संप्रदाय विशेष के आवाज को दबाने का प्रयास किया जा रहा है जिसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इस दौरान बड़ी संख्या में भाजपा के कार्यकर्ता मौजूद थे। जो हमारा आंदोलन था, यह हमारा अनशन समाप्त निश्चित हुआ है। आज हमने अनशन को तोड़ा है लेकिन आंदोलन को समाप्त नहीं किया है। जिस प्रकार की प्रशासन की बर्बरतापूर्ण रवैया रही इस आंदोलन के क्रम में भी और प्रशासन के द्वारा वर्षों से जिस प्रकार की दोहरी समझ रहती है दोनों समुदायों के बीच के समस्या को समाधान करने के हेतु, उसके खिलाफ हमारा यह अनशन अनवरत जारी रहेगा। और मैंने देखा है कल SSP साहब का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था और प्रशासन के लोगों ने जो आरोप लगाया है, जो FIR दर्ज किया है, उसमें कई झूठे तथ्यों का सहारा लेकर और ये किया है। एक एक जो भी कार्यक्रम हुए हैं उन सभी कार्यक्रमों का मैंने मेल के माध्यम से SSP साहब को, DM साहब को और SDM साहब को वह अनुमति से आवश्यक कार्रवाई के लिए वो मेल प्रेषित किया है। उधर से कोई जवाब उसका नहीं आया है। आपने हमको परमिशन हम नहीं दे रहे हैं, इस प्रकार का भी अगर आपका मेल आता तो होता कि आपने अनुमति नहीं दी है। लेकिन मैंने मेल किया और अभी तक उस मेल का जब कोई जवाब नहीं आता है तो इसका मतलब है कि ये आपकी सहमति है। और उसी आधार पर वह चाहे मैंने अर्थी जुलूस जो निकाला गया या चाहे उपवास पर बैठे थे, केवल एक जो कार्यक्रम था कि हमको जबरदस्ती हमारे स्वास्थ्य में प्रशासन के द्वारा जो बताया गया कि इनका स्वास्थ्य गड़बड़ हो रही थी, इस नाते इनको जो है हम अस्पताल में भर्ती कराएं। आप लोगों के ध्यान में और आप लोगों के माध्यम से इस विषय को मैं आगे भी रखने वाला हूं। मैं राज्यपाल महोदय के पास भी इस विषय को रखूँगा कि हम तीसरे दिन, 2 दिन तक उनको कोई आवश्यकता प्रशासन को महसूस नहीं हुई कि उनके स्वास्थ्य की क्या स्थिति है, नहीं है। तीसरे दिन उनकी मंशा, गलत मंशा के तहत वह अचानक दोपहर के बाद आए और हमारा स्वास्थ्य का परीक्षण किया उन्होंने, डॉक्टरों के द्वारा करवाया, और रात में 10:30 बजे बड़ी मात्रा में प्रशासन के लोग आकर और जबरन तरीके से जबरदस्ती जो है लाठी चार्ज करते हुए और हमको ले गए अस्पताल। क्या किसी बीमार आदमी को अस्पताल ले जाने का वही तरीका होता है? क्या किसी बीमार आदमी के साथ वही व्यवहार किया जाता है जो प्रशासन ने किया? अगर उनकी मंशा यह थी कि अनशन को या इस आंदोलन को समाप्त करना है तो वह उचित माध्यम निकालते। हमको यह गिरफ्तारी में थोड़ा विलंब हो रही है, ठीक है, हो सकता है कि लोग इधर उधर भाग गए होंगे गिरफ्तारी में, इस कारण विलंब हो रहा होगा, लेकिन प्रशासन का क्या प्रयास था उनकी गिरफ्तारी के लिए, प्रशासन ने क्या क्या पहल किया, इस आंदोलन के क्रम में एक भी दिन प्रशासन के द्वारा आकर बताने की आवश्यकता महसूस नहीं हुई। क्या उनको जल्दी गिरफ्तारी हो इसके लिए कोई कुर्की जब्ती का आदेश निर्गत किया गया या इस प्रकार का अन्य कोई ये किए होते तो फिर उनकी गिरफ्तारी हुई? अभी तक नहीं हुई है और अभी आज के बाद जो है हम लोग आगे की रणनीति तय करेंगे।
और अभी जब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हो जाती है यह आंदोलन अलग अलग स्वरूपों में हम सभी लोगों का जारी रहेगा। और जिस प्रकार की बर्बरतापूर्ण रवैया, केवल एक जो हम विषय छूट गया था कि हमको जब जबरदस्ती वहां ले जाया गया और वहां फिर हम बोले कि अगर हम अस्वस्थ हैं तो हमारा पुनः स्वास्थ्य परीक्षण कराइए, अस्पताल के अंदर पुनः हमारा स्वास्थ्य परीक्षण हुआ, हमारा ब्लड शुगर नॉर्मल था, हमारा बीपी नॉर्मल था, तो हम बोले कि जब हमारा सब चीज़ नॉर्मल है और हम स्वयं में फिट महसूस कर रहे हैं तो फिर हमको यहाँ रहने की क्या आवश्यकता है, तो नहीं आपको रहना, वो लोग ज़बरदस्ती करने लगे। हम लोग वहीं पर पुनः उपवास पर हम लोग अस्पताल के बाहर जो इनके स्टेच्यू है अपने जयप्रकाश नारायण जी का, वहीं पर हम लोग उपवास पर बैठ गए। फिर हम लोग बाहर रोड पर रात में उपवास पर बैठे और जब प्रशासन के कानों पर जू नहीं रेंगा, प्रशासन के अधिकारी बोलते रहे कि 2 मिनट में 10 मिनट में बड़ी पदाधिकारी आ रहे हैं तो आगे का निर्णय लेंगे, और रात के 10:30 बजे से लेकर सुबह के 7 बजे तक हम लोग वहां यूं जगे रह गए। एक बीमार आदमी को उनके कथनानुसार, मैं स्वयं कह रहा हूं कि मुझे कोई कठिनाई नहीं थी, लेकिन प्रशासन ने बीमारी के नाम पर हमको वहां पर ले जाया गया। और एक आपके हिसाब से जो बीमार थे उसके साथ आपने रात भर जगाए रखा रोड पर, और प्रशासन के बड़े अधिकारी आ रहे हैं करके कोई नहीं किया। तब मैंने निर्णय लिया विवश होकर कि हम एसएसपी साहब के आवास के बाहर में शांतिपूर्ण तरीके से उपवास पर बैठेंगे और वहाँ पर जो है हम हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। किसी प्रकार का कोई भाषणबाजी नहीं, कोई नाराबाजी नहीं, और हम लोग वहाँ से उनके कथनानुसार जो बीमारी की स्थिति में थे, 4th दिन था हमारा उस दिन उपवास का, और हम लोगों ने वो सदर अस्पताल से लेके पदयात्रा करते हुए एसएसपी साहब के आवास पर गए और वहाँ पर जो फुटपाथ था उस पर बैठकर हम लोग सीधे हनुमान चालीसा का पाठ किए, और उसके बाद वहाँ पर लाठी चार्ज करके बर्बरतापूर्ण तरीके से, अमानवीय तरीके से एम्बुलेंस इसमें कैदी वाहन में ले जाया गया, और वहाँ पर हम लोगों को दिन भर जो है वो FIR दर्ज किया गया और हाजत में रखा गया। एक दुर्दांत अपराधियों के जैसा व्यवहार किया गया, और जो कुछ वहाँ के पुलिस पदाधिकारी थे उनका भी व्यवहार और जो बोली था वह बहुत सम्मानजनक इस आंदोलनकारियों के साथ नहीं था। तो और दूसरा चीज़, उस जब तक हम अस्पताल में रहे, ये वहाँ पर रहे, हाजत में रहे, अस्पताल से जाने के बाद और पूरे हाजत में रहने तक, उनके हिसाब से अगर हमारा स्वास्थ्य में इस प्रकार की कठिनाई कुछ थी तो उसकी चिंता उन्होंने इस बीच क्यों नहीं की, केवल वो आंदोलन स्थल से उठाकर और आंदोलन स्तर पर सभी सामानों को उठाकर, टेंट वगैरह, चौकी वगैरह वो उठाकर और वो थाना पहुंचा दिया गया। लेकिन जब तक हाजत में रहे तब तक न हमको कोई पानी पूछने के लिए आए, न कोई पदाधिकारी आए कि आपकी स्वास्थ्य बिगड़ी हुई है, आप उपवास तोड़ लीजिए, आप जल ग्रहण कर लीजिए, पानी ग्रहण कर लीजिए, कोई सूद लेने वाला नहीं था। और उन्होंने उसी हमारे स्वास्थ्य का बहाना बनाकर ये सब कुचक्र रचा है। और जिस प्रकार की दोहरी रवैया प्रशासन नीतीश कुमार जी के इशारे पर, बिहार सरकार के इशारे पर यह कर रही है, जैसे लग रहा है कि उनके एजेंट हों, उनके RJD के गुंडे के तरह जो व्यवहार किए हैं, यह बिहार की जनता और भागलपुर की जनता कभी स्वीकार नहीं करेगी। और नीतीश कुमार जी भी जिस प्रकार से मुखदर्शक बनकर और धार्मिक उन्माद को बढ़ावा देने के लिए इस वोट बैंक की राजनीति के तहत जो कर रहे हैं, यह नीतीश जी को भी बहुत महंगा पड़ने वाला है, और बिहार की जनता उनको आने वाले 24 के चुनाव, लोकसभा चुनाव में, अब 25 के चुनाव। देखिए, अब इस सरकार से तो कोई उम्मीद नहीं है, और ये अनशन चल रहा था, हम लोगों ने अभी उनको जूस पिलाकर अनशन को तोड़वाया है। और आप जिस तरह से देखिए कि किसी एक खास वर्ग को लेकर के सरकार जो है तुष्टिकरण के लिए किस तरह से आप लोकतंत्र की हत्या कर रही है, कोई व्यक्ति लोकतांत्रिक तरीके से धरना दे रहा है, लोकतांत्रिक तरीके से उपवास कर रहा है, उसको इस तरह से आप मैंने उसको उठा के ले जाना, डंटा चार कराना, घसीटना, हम तो स्थानीय प्रशासन को चाहिए था कि इनसे आके मिलना चाहिए, बात करना चाहिए, इनका ज्ञापन लेना चाहिए, कम से कम इतना आश्वासन देना चाहिए कि अगर आप लोगों के जो आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं, जो आप कह रहे हैं, इस बात में सच्चाई होगी तो दोषी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन ये प्रशासन और सरकार जो है कि धरना जो दे रहे हैं अनशनकारियों को, वो आश्वासन भी नहीं दे पा रही, इसी से सोचिए कि सरकार का किस तरह से एक लोकतंत्र के प्रति किस तरह का दिवालियापन को प्रदर्शित करता है या सरकार। अरे प्रशासन को ही कहेंगे ना, वो ना बताएं कौन उनको कर किया था, प्रशासन ने लाठी चार्ज किया है, प्रशासन को किसी ने आदेश दिया, किसके नहीं, अभी हम लोग कैसे बता सकते, किसी से बात कर रहे हैं, किसी का सुन रही प्रशासन, एक वर्ग के तुष्टिकरण में लगी हुई है सरकार।
अब आपके शहर भागलपुर में खुल चुका है पूरे बिहार का सबसे बड़ा और प्रीमियम सलून लुक सलून। लुक सलून में आपको लेडीज और जेंट्स दोनों के लिए सर्विसेज उपलब्ध है। लेडीज के लिए हेयर स्टाइलिंग, पार्टी मेकअप, ब्राइडल मेकअप, हेयर टेक्सचर, हेयर ट्रीटमेंट, फेशियल एंड रिचुअल्स, हैंड्स एंड फीट, नेल केयर जैसी सुविधाएं। तो जेंट्स के लिए हेयर कट एंड फिनिश, हेयर कलर, हेयर टेक्सचर, हेयर ट्रीटमेंट, स्किन केयर, बियर्ड ग्रूमिंग जैसी सुविधाएं उपलब्ध है। लुक सलून अपनी सभी प्रकार की सर्विसेज पर 20% की भारी छूट दे रही है। तो अगर आप भी लुक सलून के बेहतरीन प्रीमियम सर्विसेज की चाहत रखते हैं तो अभी बुकिंग कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट के लिए आप मोबाइल नंबर 9199062666 पर संपर्क कर सकते हैं या फिर www.looksalon.in पर जाकर ऑनलाइन अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। भागलपुर में गुरुवार रात अनशन पर बैठे भाजपा नेताओं व पत्रकार को घसीटने व लाठीचार्ज करने का मामला ने तूल पकड़ लिया है, जिसके बाद आज भाजपा नेताओं कार्यकर्ताओं ने शहर के भगत सिंह चौक से कमिश्नर ऑफिस तक प्रतिरोध मार्च निकाला। इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार व पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। वहीं कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा। असल बीते मुहर्रम की रात काली मंदिर में पत्थरबाजी की गई थी, जिसके बाद असामाजिक तत्वों की गिरफ्तारी के लिए भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष रोहित पांडे अनशन पर बैठे थे। 3 दिन बाद गुरुवार रात रोहित पांडे व उनके समर्थकों को घसीटते हुए व लाठी चार्ज करते हुए पुलिस थाना ले गई थी। इस दौरान न्यूज कवर कर रहे निजी चैनल के पत्रकार को घेर कर पुलिस वालों ने लाठियां बरसाई, जिसके बाद भाजपा और उग्र हो गई है। तानाशाह की सरकार चल रही है। हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से लोकतंत्र की हत्या प्रतिदिन हो रही है। कोई भी ऐसा जिला खाली नहीं है जहाँ पर प्रशासन द्वारा दमन करके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मारा पीटा जा रहा है। और भागलपुर में जिस प्रकार से पिछले मुहर्रम के बाद से जो यहाँ पर दृश्य बना है काफ़ी शर्मनाक है। एक तरफ हम लोग सौम्यता के साथ अपनी बात रखने वाले लोग हैं और एक तरफ उपद्रवी हैं। ये सरकार जो है कहीं ना कहीं दमन करके अपने कार्यकर्ताओं को मार पीट करके जो शांतिप्रिय ढंग से बैठते हैं उनके ऊपर भी बलपूर्वक लाठी का प्रहार किया जाता है। ये लाठी डंडे की सरकार है। ये जंगल राज 2 की पुनरावृत्ति हो गई है। और जिस प्रकार से हमारी एक बच्ची नौगछिया की, उसको जिस प्रकार से आंख में बम लगाया आपने देखा होगा। ये क्या मुहर्रम के जुलूस में बम चलाते हैं? कहाँ गए थे प्रशासक उस समय? क्यों नहीं पकड़ा किसी को? और आज हमारे माँ बुलिया काली पर्वती में खुलेआम वहाँ तोड़फोड़ किया जाता है, कोई देखने वाला नहीं है। क्या जिला प्रशासन का दायित्व नहीं बनता है? या आप किस प्रेशर में हैं? क्या नीतीश जी ने आपको मना किया है ऐसे उपद्रवियों को पकड़ने से? कान खोल करके सुन लीजिए, हम लोग डरने वालों में से नहीं हैं। खून का एक एक कतरा बिहार की इस पावन धरती के लिए लगा देंगे, लेकिन आपके लाठी डंडे से डरने वाले नहीं हैं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अपने अध्यक्ष के नेतृत्व में हमेशा खड़ा रहता है, चाहे वो जिला के हमारे अध्यक्ष हों, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष सम्राट चौधरी जी हों। मैं आपको बताने आया हूँ, कमिश्नर साहब के सामने बात रखने आया हूँ कि जिस प्रकार की घटना यहाँ घटी है ये बहुत लोमहर्षक है, इसकी जांच होनी चाहिए। आप पत्रकार मित्रों के ऊपर लाठीचार्ज होता है, ये क्या चलेगा? चौथे स्तंभ के ऊपर जिस प्रकार से लाठीचार्ज किया गया है, इसकी तीव्र निंदा भारतीय जनता पार्टी करती है। और इसकी लड़ाई जहाँ तक लड़नी पड़ेगी हम लोग लड़ेंगे। आपका साथ चाहिए और आपके साथ के साथ हम लोग भागलपुर के विकास के लिए, सर्वांगीण विकास के लिए तत्पर रहते हैं। अंतिम संस्कार के दौरान भागलपुर के विभिन्न घाटों पर मुखाग्नि देने के दौरान घाट पर रहने वाले डोम राजा के द्वारा अंतिम संस्कार के लिए परिजनों से नजराने के रूप में ज्यादा पैसा मांगे जाने की लगातार मिल रही शिकायतों को दूर करने के लिए नगर निगम प्रशासन द्वारा सभी घाटों पर अंतिम संस्कार के लिए रेट चार्ट लगा दिया गया है। रेट चार्ट के अनुसार अब डोम राजा अंतिम संस्कार करने वालों से 500 रुपये से 1100 रुपये तक ही ले सकते हैं, जिसके बाद भागलपुर के घाट पर रहने वाले डोम राजाओं
में काफी आक्रोश का माहौल देखा जा रहा है और आज काफी संख्या में घाट पर रहने वाले लोग रेट चार्ट वापस किए जाने की मांग को लेकर भागलपुर जिलाधिकारी सुब्रत सेन के कार्यालय पहुंचे और उनसे घाट पर लगाए गए रेट चार्ट को वापस लिए जाने की मांग करते दिखे। इस दौरान प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे हरि मलिक और नीलम देवी ने बताया कि वे सभी पिछले 7 पुश्तों से घाट पर रहकर अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं और अंतिम संस्कार के लिए घाट पर पहुंचने वाले बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जो उनको नजराने के रूप में कुछ भी नहीं देते, लेकिन जिस तरह से बोर्ड लगा दिया गया है उनसे उन लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। हरि मलिक ने यह भी बताया कि घाट पर रहने वाले सभी लोगों से आधार कार्ड और वोटर कार्ड जिला प्रशासन द्वारा यह कहकर लिया गया था कि उन सभी को 3-3 डिसमिल जमीन बसने के लिए दिया जाएगा, लेकिन काफी समय बीत जाने के बावजूद अब तक उन्हें जमीन भी मुहैया नहीं कराया गया है। प्रदर्शनकारी सभी डोम राजा जिलाधिकारी से रेट चार्ट हटाने और जमीन मुहैया कराए जाने की मांग करते दिखे। हाँ, क्या बरारी मसान घाट से आए हैं। कथी ले लो छो यहाँ? कथी ले हमरा लोग के मसान घाट में गेले को कल के की तोरा लोग का 3-3 डिसमिल जमीन मिलता है, तोरा लोग इंदिरा आवास पास करेबे, हमरा लोग का पढ़ लो न लिख लो, आधार कार्ड जमा करवेल के और कुंजी कुंजी जमा करवेल के, अब मसान घाट में यहाँ फीस करवा दिल के 1100 टका। आ 500 कोई दे छे कोई नहींयो दे छे, फ्रीयो सेवा होय छे। सुनो बोला कोई दे छे बाबू कोई नहींयो दे छे, हमरा लोग फ्रीयो सेवा करे छे और दे वाला तो देबे करे छे। कोन चीज तो चाहे छो? की चाहे हमरा लोग छी टा हटाय दे, जैसे कमे खारियो से कमे बे खैबे, हमरा लोग मांगे चाहि के हमरा लोग के वा कमे छे। गोम के फिक्स केना हो ले बाबू? ले बाबू एक बरो हमरा सब के वही कमे छे बाबू। लवा दे पर हमरा के ले छी बस जोनी गो भैंस ले छी साहब। घाट से सागर घाट कहां ले छो? आज डीएम के पास जो हम लोग को जो दरकार जो आधार कार्ड और वोटर कार्ड जो लिया जो बोला कि आपको जमीन जिसमें जमीन देंगे आप लोग जमा कीजिए, जमा सर हम कर दिए, आई जाके नहीं जमीन मिला सर हम लोग को आने हर कुछ और जाके हमरा मसान घाट में जाके वोट लगा दी। उसके बाद बोलता है कि 1100 और 500 कोई देता है कोई नहीं हो देता है सर। हम लोग सब दिन आज 7 पुश से सर हम लोग मसान घाट से इतना इतना परिवार का खाना पीना सब चल रहा था। अब बताइए सर कि अभी जो ये सब काम कर दिया है सर तो कैसे हम लोग का बाल बच्चा पालन होगा सर? अरे वो चिट्ठा हटा दीजिए सर, जैसे हम लोग कमाते खाते थे उसे हम अपना कमाएंगे खाएंगे, हम मांग टांग के खाते सर। आई जबरदस्ती जाके कह दिया कि 3-3 डिसमिल जमीन दिया, हम लोग ने पढ़े ने लिखे कुछ नहीं है। कौन गया था यहाँ से? गया था नगर याहू का आदमी कर्मचारी गया, सिटी मैनेजर गया था। अच्छा, तो आज कहाँ है? भागलपुर के पुलिस जिला नौगछिया के गोपालपुर थाना क्षेत्र के बोचाही गांव में 2 महिलाओं के बीच विवाद हो गया। देखते ही देखते विवाद ने विकराल रूप धारण कर लिया और एक महिला के पुत्र ने दूसरे महिला और उसके परिजनों पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। गोलीबारी की घटना में एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे इलाज के लिए भागलपुर के मायागंज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि विनोद मंडल की पत्नी सविता देवी और रमेश मंडल की पत्नी वर्षा देवी के बीच किसी बाद को लेकर विवाद हो गया। देखते देखते विवाद ने विकराल रूप धारण कर लिया। घटना के बाबत सविता देवी के पति विनोद मंडल ने बताया कि उनकी पत्नी और वर्षा देवी के बीच विवाद हुआ था, जिसके बाद वर्षा देवी का पुत्र अभिमन्यु के द्वारा अवैध हथियार से अंधाधुंध फायरिंग किया गया, जिसमें उसकी पत्नी सविता देवी गंभीर रूप से घायल हो गई है। घटना के बाद सविता देवी के परिजनों ने अभिमन्यु को हथियार के साथ पकड़कर पुलिस के हवाले कर पहले भी लड़ाई हुआ था, हमारे भाभी भी मारा था, उन्हें जोर से मारा था, पीठ से फाड़ दिया था। कौन? रमेश ने। अब मारा उसका लड़का ने बोली हमारे पत्नी को। क्या नाम है उसके? अभिमन्यु नाम। पत्नी का? पत्नी का वर्षा देवी। किसका? हमारा पत्नी का नाम क्या है जिसको गोली लगा? गोली सविता के नाम। पति का नाम? पति हम वीरेंद्र। हम आपकी पत्नी है? घर घर बचाई। अच्छा, कैसे क्या घटना क्या हुआ वहाँ पर ये बताइए। कोई बच्चे उच्चे उधर को कागज उगज गिर दिया है, उस बजे में गाली गुलाम देना चालू कर दिया, 5 बजे से गाली शुरू कर दिया हमने देने। अच्छा, गाली देते 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 बस जलानी जात होता ही है, बस दोनों बगल धोने लगा। पहले से भी कोई विवाद था? पहले हुआ था, जब तो भाभी को मारा था। किसको मारा था? हमारे वर्षा देवी को मारा था। अच्छा, जो हमारा हुआ। अच्छा, क्यों मारा था? ऐसी बकरी के विषय में हुआ था, उसे जब मारा था। अच्छा, और किसको मारा? बस उसे ही मारा था, उसे बचाने गया। तो क्या क्यों मारा था? मारा क्यों था? मारा वही बकरी देख बताया जो खाना खा गया था, इस वजह से बरसात भी उससे हुआ। तो ये अभिमन्यु जो है क्या करता है? अभिमन्यु ऐसे
खेती गृहस्थी करता है, जैसे सुने बंदूक का तस्करी करता है वो, तो इसका पिताजी करता है। क्या क्या रुपया बनाता है, सब सप्लाई करता है घर से। क्या नाम उसका? रमेश नाम है। कितना गोली मारा है आपकी पत्नी को? एक गोली मारा है जान। अच्छा, गोली चलाया है? गोली तो 4-5 गोली चलाया। अच्छा, लोगों को न्याय दिलाने और न्याय का पाठ सिखाने वाले अधिवक्ता आज खुद अपने ही दंडाधिकारी के द्वारा किए जा रहे अत्याचार से परेशान हैं और उनके खिलाफ भागलपुर जिला विधिक संघ के द्वारा आम सभा का आयोजन जिला विधिक संघ के सभागार में किया गया। आम सभा के दौरान जिला विधिक संघ के सभी अधिकारियों और सदस्यों ने एक स्वर में कहा कि भागलपुर कोर्ट में प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी प्रथम सूचित वाजपेयी के द्वारा सभी अधिवक्ताओं और न्यायालय कर्मियों के साथ अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते हुए दुर्व्यवहार किया जाता है, जिनसे उन सभी को कार्य करने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। आम सभा के दौरान यह पारित किया गया कि जब तक दंडाधिकारी भागलपुर कोर्ट में प्रतिनियुक्त रहेंगे, सभी अधिवक्ता उनके कोर्ट का बहिष्कार करेंगे। जिला विधिक संघ के महासचिव बिमल कुमार बिमल ने बताया कि दंडाधिकारी प्रथम सूचित वाजपेयी के द्वारा जिस तरह से अभद्र भाषा का प्रयोग किया जाता है और अधिवक्ताओं के साथ अमर्यादित व्यवहार किया जाता है, उनकी सूचना हाईकोर्ट चीफ जस्टिस पटना और प्रदेश विधिक संघ दंडाधिकारी प्रथम के रूप में सूचित कार्यरत रहेंगे, उस कोर्ट में काम नहीं करेंगे। सभी जिला विधिक संघ के महासचिव ने कहा कि अगर उनकी मांगे जल्द से जल्द पूरी नहीं की जाती तो वो सभी आगे आंदोलन करेंगे। आम सभा के दौरान बड़ी संख्या में अधिवक्ता और न्यायालय कर्मी मौजूद थे। वो जो दुर्व्यवहार करते हैं अधिवक्ता के साथ और काम भी ठीक से नहीं करते हैं और उनका व्यवहार कुशल नहीं है, इस कारण अधिवक्ता बहुत पीड़ित थे और अधिवक्ता की मानसा को रखते हुए उनका जो विचार था, अधिवक्ता का खचाखच भरा हुआ था, उनका जो विचार था उसके तहत ये निर्णय लिया गया कि उनके कोर्ट का काम हम लोग नहीं करेंगे, उनके कोर्ट न्यायिक प्रक्रिया से उनके कोर्ट का हम लोग अलग रहेंगे। महासचिव जिला विधिक संघ भागलपुर मैं विमल कुमार विमल, आज आम सभा में हम लोगों ने निर्णय लिया है कि जब पुलिस बात करी यहाँ रहेंगे तब तक जो है उसके न्यायालय का हम लोग न्यायालय में काम नहीं करेंगे। साथ ही वो जो कार्रवाई की गए हैं जिस तरह का भाषा का प्रयोग करना, पानित करना दोस्तों को, उसकी हम लोग घोर निंदा करते हैं और इसकी प्रतिनिधि हम लोग हाईकोर्ट पटना हाईकोर्ट चीफ जस्टिस भेज रहे हैं, जहाँ इसके बाद पहुँची भेज रहे हैं और यहाँ भी जिला जिला और जो अनिश्चितकालीन धरने पर अगर बैठते हैं तो कोई धरना फरना हम लोग नहीं कर रहे हैं, सिर्फ कार्य का बहिष्कार। हाँ, जब तक ऊपर से कोई आदेश बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के द्वारा 14वां स्थापना दिवस मनाया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर आए कृषि विभाग के सचिव संजय अग्रवाल, जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन व अन्य अतिथियों के द्वारा दीप प्रज्वलित कर विधिवत उद्घाटन किया गया। इस दौरान कृषि विभाग के द्वारा कला एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम की भी प्रस्तुति हुई, जिसके बाद विभागीय कर्मचारियों को सम्मानित भी किया गया। वहीं कार्यक्रम को लेकर सचिव ने बताया, भागलपुर कृषि विश्वविद्यालय का एक अपना इतिहास रहा है जिसकी स्थापना दिवस को लेकर वह मुख्य अतिथि के तौर पर आए हुए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य भर में कृषि के क्षेत्र में सर्वांगीण विकास को लेकर इस कार्यक्रम में चर्चा हुई, साथ ही किसान को खेती से जुड़ी जानकारियां और आय में बढ़ोतरी कैसे हो इसके लिए भी विचार विमर्श किया गया। उन्होंने कहा कि भागलपुर जिले के किसान अव्वल दर्जे की खेती कर रहे हैं, उन्हें प्रोत्साहित करने पर और भी व्यापक रूप मिल सकेगा।
हाल में बाढ़ और सुखाड़ की मार झेल रहे किसानों की चिंता आवश्यक है। इस समस्या को दूर कैसे किया जाए इसको लेकर भी विभाग में बातचीत चल रही है। संभवतः जल्द निपटारा मिल सकेगा। मौके पर कृषि विभाग के कई पदाधिकारी कर्मचारी एवं किसान मौजूद रहे। स्थापना दिवस पर सभी विश्वविद्यालय परिवार के सभी सदस्यों को काफी बधाई। लगातार बिहार सरकार कृषि रोड मैप पर काम कर रही है, उसी दिशा में विश्वविद्यालय के साथ कई प्रकार की योजनाओं के कार्यान्वयन कर रहे हैं, यहाँ पर स्टूडेंट्स के लिए काम कर रहे हैं। सरकार की महत्वपूर्ण प्राथमिकता है कि कृषि क्षेत्र का विकास हो, इसीलिए राज्य सरकार चौथा कृषि रोड मैप भी लेकर के आ रही है और इसको लेकर लगातार काम किए जा रहे हैं। अगले 5 वर्षों तक विभिन्न प्रकार के सेक्टर्स में जहाँ जहाँ हम लोग थोड़ा पीछे वहाँ और हम तक खड़े हो।